नमस्कार दोस्तों। और ये जो वीडियो है वो कोई बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। पिछला जो वीडियो था वो किसी अप्रिय कारणों से स्टॉप हो गया था, और इसलिए इसको बचे खुचे प्रश्नों का ये जो वीडियो है वो छोटा सा वीडियो आपके सामने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो पूरे प्रश्नों के लिए आप पीछे का वीडियो भी जरूर देखें, ये उसका अंश है। चलिए, आधी रात के नाटककार का नाम बताइए। आधी रात नाटक के नाटककार का नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र है। आधी रात नाटक के नाटककार का नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र है। चलिए, अंधी गली नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशोक का नाटक है अंधी गली। अंधी गली है उपेंद्र नाथ अशोक का नाटक है। दाहर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। दाहर नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का ये नाटक है दाहर। चलिए, उड़ान नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उड़ान नाटक के नाटककार का नाम उपेंद्र नाथ अशक है। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है उड़ान। चलिए, कलिराज की सभा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट का ये नाटक है कलिराज की सभा। कलिराज की सभा वो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। जय पराजय, जय पराजय नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है जय पराजय। जय पराजय है वो उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है। शक विजय, शक विजय नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का ये नाटक है शक विजय। उदय शंकर भट्ट का नाटक है। अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत का ये नाटक है अंगूर की बेटी। मुक्ति पथ नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का ये नाटक है मुक्ति पथ। मुक्ति पथ है वो उदय शंकर भट्ट का नाटक है। सिंदूर की बिंदी, सिंदूर की बिंदी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत का ये नाटक है सिंदूर की बिंदी। सौरक की झलक, सौरक की झलक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है सौरक की झलक। सौरक की झलक है उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है। राजमुकुट, राजमुकुट नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत का ये नाटक है राजमुकुट। राजमुकुट है वो गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। अलग अलग रास्ते, अलग अलग रास्ते नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो अलग अलग रास्ते नाटक के नाटककार उपेंद्र नाथ अशक हैं। उपेंद्र नाथ अशक का ये नाटक है अलग अलग रास्ते। अंतःपुर का छिद्र नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत का ये नाटक है अंतःपुर का छिद्र। चलिए, अंजू दीदी, अंजू दीदी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का ये नाटक है अंजू दीदी। अंजू दीदी है उपेंद्र नाथ अशक का नाटक है। चलिए नेक्स्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में जानते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था। चलिए, मैं और मेरा देश ललित नीमंत के लेखक का नाम बताइए। मैं और मेरा देश ललित नीमंत के लेखक मिश्र प्रभाकर जी हैं। मिश्र प्रभाकर जी का यह प्रसिद्ध निबंध है और इसीलिए इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मैं और मेरा देश ललित नीमंत के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। चलिए, जिंदगी मुस्कराई माटी हो गई सोना, बाजे पाइलिया के घुंघरू दीप जले संग बुझे। जिंदगी मुस्कराई माटी हो गई सोना, बाजे पाइलिया के घुंघरू दीप जले शंख बजे। निबंध संग्रह है ये, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम है जिंदगी मुस्कराई माटी हो गई सोना, बाजे पाइलिया के घुंघरू दीप जले संग बजे। ये सारे के सारे हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का रिपोर्ताज है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के रिपोर्ताज का नाम है क्षण बोले कण मुस्काए। आकाश के तारे धरती के फूल, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का लघु कथा संग्रह है। आकाश के तारे धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का लघु कथा संग्रह है, आकाश के तारे धरती के फूल। चलिए, अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका, देखिए रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना। हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना। मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय।
तो हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आलोचनात्मक ग्रंथों क्या नाम है, हिंदी साहित्य की भूमिका कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोता है ये, रामदास का नहीं है, तो ये अनामदास का पोता है। अनामदास का पोता इसे हटाई देता हूं, बोल ही देता हूं वैसे लिखने में, अनामदास का पोता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। मेरे हिसाब से ये जो त्रुटि है ये आपको याद होगा, पहले से याद होगा, बहुत वीडियो में ये दिया हुआ प्रश्न है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये उपन्यास हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक प्रवय, निम्न सग्रहों के लेखक का नाम बताइए, तो कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक प्रवय, निम्न सग्रहों के लेखक का नाम बताइए, तो निम्न सग्रहों के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक प्रवय, ये चार इनके निम्न संग्रह हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चार निम्न संग्रह हैं, कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की संपूर्ण रचना किस नाम से संकलित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से और 11 खंडों में ये संकलित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से है और 11 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देहावसान कब हुआ, सन 1989 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देहावसान हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आज की ये एक लघु वीडियो था, एक थोड़ा विस्तृत वीडियो है। वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करें दोस्तों, कई दिनों से मैं आपके कमेंट के जवाब भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त था और साथ ही साथ वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, तो दोस्तों अब आप आगे से वीडियो भी देखोगे और लगातार कमेंट भी कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। चलो सब्सक्राइब नहीं करें कोई बात नहीं, लाइक नहीं करें कोई बात नहीं, चलो कमेंट तो ज़रूर कर ही देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य को पढ़ते रहिए, अपने तनाव को दूर भगाइए, बिंदास।